गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू निकीज हैप्पी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? हम लोग अभी एक दो दिन पहले कहीं बाहर गए थे, कोई अलग एरिया में, हांगकांग आइलैंड से बहुत दूर। तो वहां पे जो है बीच में एक गार्डन पड़ा, तो हम लोगों ने जो है उसको एक्सप्लोर करा और फिर एक सोसाइटी भी बाहर से मैंने दिखाने की कोशिश करी है वीडियो में, तो वही सारा सब आज आपको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ गार्डन के पास ये एक पिजन है, शायद ब्राउन कलर का, बट ये कैसा है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो जरूर बताइएगा इसके बारे में कि ये क्या है। और फिर चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं, हमारे बस का वेट कर रहे हैं। बट आज ना ये नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम इसके पहले मैंने हांगकांग में कभी नहीं देखा। बट एनीवेज ये फटाफट क्लियर भी हो जाता है अगर कभी अगर हो गया तो। और अभी हम लोगों ने ऊपर वाले अपर डेक पे जो है हमारी फ्रंट सीट पकड़ ली है और आप देखिए कितना खूबसूरत वेदर है। आपको बता दूं जून 1 से ही यहाँ पे जो है बारिश होना स्टार्ट हो गया और रोज जो है कभी भी बारिश यहाँ पे आ सकती है। और अभी रास्ते में देखिए मुझे क्या दिखा, ये हांगकांग की ओल्ड बिल्डिंग है। तो ये इतने आसानी से कहीं ऐसे दिखते नहीं है बट कोई एरियाज में जो है दिख जाती है। तो आज जो है मैंने यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग भी देख ली। फाइनली हम लोग हमारे एरिया में पहुंच गए। हंग होंग वाला ये एरिया है हांगकांग आइलैंड से काफी दूर। तो अभी हम लोग जो है एक सोसाइटी में जा रहे हैं, वहां पे एक हम लोग का काम है, वो करने के बाद जो है फिर हम निकलेंगे। तो देखिए गाइज, आपको मैं सोसाइटी दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी और इतनी लंबी बिल्डिंग्स है यहाँ पे और बहुत बड़ी है ये सोसाइटी, पता है, मतलब बहुत ही अच्छी, एकदम रॉयल। और यहाँ पे देखो लोगों को कन्वीनियंट हो इसलिए ना यहाँ पे ये एस्केलेटर भी इन लोगों ने लगा के रखे हैं, तो लोग जो है मतलब आसानी हो जाए उनको, ज्यादा उनके पैर वैर दर्द ना हो। तो सच में ये जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, कन्वीनियंट लगा। प्लस ये सोसाइटी को इतना अच्छे से सजाया है कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब फ्लावर पॉट्स है, फिर फाउंटेन है और फिर बहुत सारी चीजें, अभी मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके। और इतनी क्लीन, इतना बढ़िया, ऐसे लगता ही नहीं कि कोई सोसाइटी का एरिया मैं देख रही हूँ। देखिए इसको कितना अच्छे से पानी और मैनी ऑफ द प्लांट्स, वो रहा देखो फाउंटेन, इन सारी सभी चीजों के साथ सजाया हुआ है। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एकदम पीसफुल लग रहा था ये। तो चलिए अभी चलते हैं गार्डन में, हम लोगों को एक चक्कर लगा के आते हैं। अभी आ ही गए हैं, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले, तो सोचा चलो आपको भी दिखाई देती हूँ। काफ़ी बड़ा है, लगता है ये हम लोगों के यहाँ से, वहाँ चलते हैं ऊपर पहले। चलो ये देखो गार्डन में मुझे क्या मिला, यहाँ पे जो है बहुत सारे मश्रूम आए हुए हैं। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर एडिबल और नॉट, बट है यहाँ पे हम लोग को मशरूम दिखे। काफी रेयर होता है ना हमारे इंडिया में, तो उतने ज्यादा दिखते हैं नहीं, बट ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे जब आप आते हो तो एकदम से आपको दिखते हैं। मैंने ब्राउन देखे हैं इंडिया में, बट यहाँ पे जो है मैंने फर्स्ट टाइम व्हाइट कलर के मशरूम्स भी देखे हैं। फ्रेंड्स ये जो प्लेसेस आपको दिखाई देगी, आई गेस दे आर द रेस्टिंग प्लेसेस, क्योंकि जब हम अंदर जा रहे थे तो हमने देखा लोग वहां पे सो रहे थे। चलो ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हम लोग। पानी तो है हमारे पास बट यहाँ का वेदर जो है ना आपको ऐसे बिना ठंडा पिए ऐसे रहने नहीं देता है, तो कुछ तो चाहिए होता है। ये मिनट मेड का क्या है, ऑरेंज जूस लग रहा है मेरे को। हाँ बाकी ये पानी है, स्प्राइट है, विटामिन सी लेमन है, ग्रीन टी, वाओ रेड बुल है। आई गेस आई विल गो फॉर द रेड बुल। सो गाइस हम लोगों ने देखा, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये क्रॉस आपको दिख रहा है ना, सारे इसमें जो मुझे चाहिए वो सब में क्रॉस लगे हुए हैं, बस ये नीचे वाला जो है वो ओपन है। तो यार ये तो मुझे पसंद नहीं है, तो छोड़ो आज का मौका गया, कभी और दिखाऊंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे ये जो बटन्स होते हैं ना ये ऐसे प्रेस करना होता है, फिर यहाँ पे जो है वो कार्ड हमें जो है वो स्वाइप करना है यहाँ पे, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ से वो बॉटल ले लेनी है, दैट्स इट। ये देखो कितना प्यारा है यहाँ पे पॉन्ड, वहाँ पे वो देख रहे हो पत्थर पे, देखो टर्टल्स बैठे हुए हैं, ये देखो इधर भी है, ये साइड भी है कितने सारे।
जो एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं उनके लिए भी है कुछ कुछ बना के रखा वहाँ पे। यहाँ के गार्डन्स जो है मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि कहीं कोई डिफरेंट प्लेस पे आए हैं हम लोग, मतलब इतने अच्छे से जो है उन्होंने बनाया है इसको, विथ सो मैनी ऑफ द ट्रीज फ्लावर्स और बहुत ही अलग अलग बैठने की जगह, एक्सरसाइज करने की जगह, फिर ढेर सारे जो है ऐसे पॉन्ड्स और उसमें फिशेस और टॉर्टोइस टर्टल्स। देखो वहाँ पे वो देख रहे हैं वाइट आप, कुछ ये भी बनाए हुए हैं उसमें प्लांट्स हैं, पास से दिखाती हूँ आपको। टेरापीन ये देखो कितने अच्छे हैं, बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। वो देखो एक आप देख रहे हैं पत्थर पे टर्टल, वो देखो वो रहा वो अच्छा है। चलो आगे लेके चलती हूँ आपको। गाइस यहाँ पे मैं दूसरे गार्डन जो हमारे घर के पास है हॉलीवुड रोड वाला पार्क जिसे बोलते हैं, तो वहां का मैं अभी नजारा दिखाती हूँ। कि यहाँ पे ना कुछ मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई थी जहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे टेरेपिन्स और फिशेस। तो ये पहली क्लिप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये छोटा सा टेरेपिन है, देखो कैसे ऊपर की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पे शॉकिंग वाली बात ये है कि ये जो है ऊपर से ये ग्रिल के बाहर आ सकते हैं, बट फिर भी ना ये आते नहीं है क्योंकि इनको पता है कि बाहर हम लोग हैं वगैरह, और थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली ये डरते ही हैं, तो मतलब बस एंड तक आते हैं ग्रिल के, बट अपने आप ही जब फिर कोई आ जाए ना तो फटाक से जो है ये अंदर भी चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया, देखो ये बाहर तक आ गया है ये टेरेपिन, देख रहे हो आप कितना बड़ा है। और जैसे इसको पता चला कि मैं आई हूँ एकदम पास से, तो ये थोड़ा अभी डर गया है और थोड़ी देर बाद जो है ये अपने आप ही फिर पानी के अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे आपको ये बहुत हर गार्डन में देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे से ये लोग जो है इसको सजाते हैं और मेंटेन करते हैं ना, तो इसकी वजह से ये सारे सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक लेडी है वो कुछ तो खाने के लिए लाई है इन टेरेपिन्स के लिए, फिश के लिए, तो ये जो है कंटिन्यू डाल रही है। और ऑब्वियसली जब ये हम कुछ भी यहाँ पे डालने लगते हैं तो सारे सभी जितने भी पॉन्ड में फिशेस या टेरेपिन्स हो वो सारे सभी इकट्ठा हो जाते हैं और एकदम से जो है खाने पे टूट पड़ते हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफी अच्छा मौका था, इसलिए जो है मैंने ये शूट कर लिया क्लिप। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखो कितने ज्यादा है यहाँ पे, मतलब फिशेस भी उतने ही है बट फिशेस से ज्यादा ये बड़े होने के कारण टेरेपिन्स जो है आपको बहुत अच्छे से बहुत मात्रा में दिखाई देंगे ऐसे पानी में। यहाँ का थोड़ा नजारा दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है गार्डन में इतना इन लोगों को मतलब इतना पीसफुल लगता है ना कि एकदम आके आराम से ना ये लोग अकेले बैठ जाते हैं शांति से, कोई फोन देखता है, कोई सो जाता है, कोई रेस्ट करता है, कोई कभी भी मतलब जॉगिंग एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक जो भी उनको पसंद है वो सारी सभी चीजें करते हैं, तो एकदम ना यहाँ पे आके वो रिलैक्स हो जाते हैं। खास करके ओल्ड पीपल यहाँ पे आपको ज्यादातर दिखाई देंगे। ये देखो वो लेडी तो चली गई खाना वाना डाल के, बट अभी भी देखो ये सारे सभी टर्टल्स देखो कैसे यहाँ पे घूम रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी यहाँ पे गार्डन में आ जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो, बट एटलीस्ट यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं टर्टल स्पीशीज को देखते तो काफी अच्छा लगता है। पत्ते भी कलरफुल है यहाँ पे, कितने अच्छे हैं। चलो ये ऐसे वॉशरूम्स है बैक साइड में भी। ये लायन तो यहाँ की स्पेशलिटी है, हर जगह दिखेंगे वो आपको। वाव ये कितना अच्छा पेड़ है देखो। सो गाइस देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉर्नर में ना आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा कर्व्ड होता है। ये सिटिंग एरिया है पूरे गार्डन में, बहुत सारी ऐसे आपको दिखेंगी। यहाँ पे मुझे एक रॉक पे जो है ये तीन चार पिजन्स दिखे, मैं टेस्ट कर रही थी कि ये उड़ते हैं कि नहीं, बट देखो ये बिल्कुल भी नहीं उड़े और ये काफी फ्रेंडली लगे मुझे कि ये डरते नहीं है बिल्कुल भी।
और यहाँ पे ना बहुत सारे आपको गार्डन्स में पिजन्स नजर आएंगे। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कहीं पे भी आप गार्डन में जाओ या कोई भी एरिया में जाओ ना, आपको ना ऐसे हाइट टाइप फील होता है, मतलब जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आइलैंड पे ही है तो मतलब थोड़ा ना ऐसा चढ़ना पड़ता है आपको, आप काफी जल्दी थक जाते हो। और ये देखिए ढेर सारे पिजन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे ट्री पर, आप देख रहे हैं। और अभी हम लोग ना ऊपर ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं, तो मैं आपको साइड का नजारा दिखा रही हूँ, देखो कितना अच्छा है हमारे ना। घर वाले तो पास वो वाले जो बोल रहे एरिया हैं प्लेस आप देख रहे हो ना, तो ऐसे एरिया में गार्डन ना और कुछ अच्छा है, लोग जो होते हैं तो हमारे वहां घर पे वाले आते पास वाले हैं, बोल बैठते सही है, हैं, जबा अच्छे पार्टी लग वगैरह रहे हैं, टाइप्स करते हैं, तो वो डिस्टर्ब सारा नहीं सब लोग कुछ को, ना वैसे रिलैक्स करते हैं, देखना गपशप मारते हैं वगैरह ऐसे। चलिए हो गया फिर देखना हमारा गार्डन फटाफट, घर जाके हमें कुछ काम भी है तो इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। अब ये जा रहे हैं ऊपर और बस रास्ते पे लग जाएंगे, बस पकड़ेंगे और फिर घर पे। ओके गाइस, हम लोग बस में अभी बैठ चुके हैं, हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। और ये देखिए यहाँ पे ये कोई पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, कितना बड़ा है ना। चलिए फिर, आपको ब्लॉग अच्छा आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये देखिए मुझे यहाँ पे दिखा टिकता चाइनीज रेस्टोरेंट, कभी मौका मिला तो जरूर यहाँ पे मैं लेके जाऊँ।